हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन बेटा। आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर के अंदर सेक्शन फॉर्मूला यानी खंड सूत्र, यानी कि एक ऐसे पॉइंट का क्वेश्चन वेक्टर निकालना है जो दो पॉइंट को ना डिवाइड करता है। ऐसे डिवाइड कितने हो सकते हैं? एक तो इंटरनल डिवीजन हो सकता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन हो सकता है। जैसे मेरे पास में एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्यू है। इस पी क्यू पॉइंट को एक ये आर पॉइंट है जो एम रेशियो एन के अंदर डिवाइड करता है। तो पी का पोजीशन वेक्टर, सपोज ये ओरिजिन ओ है तो पी का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले लेंगे और क्यू का पोजीशन वेक्टर हम ले लेंगे बी वेक्टर। और इस आर के बारे में बात कर लेते हैं, ये हमारे पास स्मॉल आर वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर होगा। मुझे यहां पर स्मॉल आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने क्या होता है, ये जो r है इसको m रेशियो n के अंदर डिवाइड करता है। मीन्स पी आर, पी से जो r है अपॉन हमारे पास r से जो q है, ये रेशियो कितना आएगा? m अपॉन n आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो n इस तरफ आ गया, पी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू m और ये आर क्यू वेक्टर। अब आप इसमें वेक्टर के बारे में पहले ही बता चुका हूं, अगर मेरे को पी आर वेक्टर लिखना है इट मींस कैसे लिखते हैं इसको, हेड माइनस टेल है ना, यानी आर का पोजीशन वेक्टर ओ आर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर ओ पी। वापस देखो कैसे लिखते हैं, पी आर वेक्टर ना, इसको अगर मुझे लिखना है खोल के पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा, हेड माइनस टेल, ये तो होता है हेड, ये होता है टेल। तो आर के बारे में आर का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ आर वेक्टर और पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ पी वेक्टर। ये हमारे पास एम, यहां पर भी सेम हेड माइनस टेल, यानी कि ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। अब देखो इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ आर वेक्टर कितना था मेरे पास, ये एम पे पड़ा है, ओ आर, ओ से आर स्मॉल आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर यानी स्मॉल ए वेक्टर इक्वल्स टू एम है मेरे पास, ओ क्यू वेक्टर क्या लेट किया हुआ है बी वेक्टर माइनस फिर कितना है ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर यानी कि आर वेक्टर। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। अब आप मुझे फाइंड क्या करना है, आर वेक्टर यानी कि इस पॉइंट का जो उसको एम रेशियो एन में इंटरनली डिवीजन कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं, उस एम आर वेक्टर को लेफ्ट में ले आओ, ये पहले से पड़ा है एन आर वेक्टर, ये एम बी वेक्टर और इसको आप राइट साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा एन बी। अब ध्यान से देखो r वेक्टर कॉमन आ गया तो मेरे पास आ जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। अब r वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, ये हमारे पास जो इंटरनल डिवीजन कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। बड़े आराम से इसको याद कर लेंगे, याद करने की टेक्निक क्या रहती है, ये हमारे पास m है और ये रेशो n है, तो m हमेशा इधर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, n हमेशा इधर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, ये आप ध्यान रखें, फिर से करेंगे याद करने की। अब इसके अंदर इफ r इज मिड पॉइंट, अगर हमारे पास r मिड पॉइंट है बिल्कुल, तो हमारे पास m रेशो n कितना हो जाएगा, वन रेशो वन, means m ratio n is equal to आ जाए 1 ratio 1। इस केस में ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, यानी r वेक्टर हो जाएगा b plus a, इसको लिख सकते हैं अपन a plus b, ठीक है ना, अपॉन 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2, सीधा सा दोनों वेक्टर्स के ऐड करो और अपॉन 2 करो, आपके मिड पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर्स मिल जाएंगे। एनी डाउट इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो इसमें किया क्या, वापस समझ लो एक बार,
ये हमने क्या किया, इंटरनल डिवीजन किया इसमें, यानी अंतर विभाजन। और इसका कौन सा सूत्र निकालना है, खंड सूत्र, यानी सेक्शन फॉर्मूला। जब सेक्शन फॉर्मूला की बात होती है तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। और पी और क्यू दो पॉइंट्स है, इनके बीच में कहीं पर भी एम रेशियो एम में डिवाइड करने वाला आर पॉइंट है। इस आर का पोजीशन वेक्टर इससे हमें मिला है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, ये जो इंटरनल डिवीजन है ना, इसके जरिए इस पर आप एक्सटर्नल डिवीजन कर, इंटरनल की जगह एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि अंतर विभाजन से क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन हो जाएगा। यानी कि अब इसमें चेंज क्या मिलेगा, डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा। यह हटा दो, अब ऐसे केस में सेकंड केस है इसका, जब आर पॉइंट बाहर पड़ा हो, इस तरह से P और Q तो अपने जगह पर है, ये P है ये Q है, अब क्यों R ना बाहर है, यहां पर है यहां, तो हमें P से ये R तक बात करनी है यहां तक, फिर हमें Q से ये R तक बात करनी है, ठीक है ना। ये वैल्यू M है और ये वैल्यू M है, और P का पोजिशन वेक्टर वो इस है A वेक्टर, और ये हमारे पास हो जाएगा बी वेक्टर। ये ओरिजिन को यहां थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये हमारे पास आर है, स्मॉल आर वेक्टर, मुझे इसको फाइंड करना है। वो इस साइड के पास एम रेशियो एन है ना, तो पी से आर वेक्टर अपॉन क्यू से आर की जो वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी, एम अपॉन एन। इस रेशियो को क्या बोलेंगे, एम अपॉन एन। सपोज ये जो आर पॉइंट है बाहर है, इससे पी और क्यू दोनों से बाहर की तरफ है, ठीक है ना, तो ये कौन सा डिवीजन हो गया, ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, यानी बाहर विभाजन हो गया। ये तो क्यू से इस तरफ है, तो पी से आर एम है, और क्यू से आर अगर एन है, तो इसका रेशो एम अपॉन एन हो जाएगा, पी आर अपॉन क्यू आर। अब इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एन इस तरफ आ जाएगा, एन पी आर वेक्टर और एम क्यू आर वेक्टर। अब वेक्टर लिखता हो पोजिशन वेक्टर फॉर्म में लिखना, मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, ये हेड और ये टेल, कैसे लिखते को हेड बनता है ना, वेक्टर लगाते ना, तो ये हेड यानी कि आर का पोजिशन वेक्टर माइनस पी का पोजिशन वेक्टर इज इक्वल्स टू एम। यहां पर भी क्या होगा, हेड माइनस टेल, ये आर्गुमेंट ट्रिक कैसे, ओ आर माइनस ये हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इनकी वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर, ये एन पड़ा है अपनी जगह, ओ आर, ओ आर कितना है, स्मॉल आर, ये दिख तो रहा ना, देखो ये आर कर देता है, ये आर वेक्टर है ना, माइनस ओपी वेक्टर, ओपी कितना है, स्मॉल ए वेक्टर लिया था, इज इक्वल्स टू एन ओ आर, ओ आर मतलब स्मॉल आर वेक्टर, और ओ क्यू मतलब स्मॉल बी वेक्टर। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एन को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस एन को इससे करो, इज इक्वल्स टू, और ध्यान से एन को आप इससे कीजिए, एम आर वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर। अब आप थोड़ा एक्सचेंज कर लो, मुझे इसमें निकालना क्या है, पहले ध्यान रखना चाहिए, मुझे आर वेक्टर निकालना है, तो मैं इसको उधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, ध्यान रखो, इसको मैं इस तरफ ला रहा हूं और आर वाली वैल्यू को उधर ले जा रहा हूं, तो एम आर वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर, इसको इधर ले आओ, ट्रांसफर प्लस हो जाएगा, एम बी वेक्टर, ये माइनस इसका पड़ा है एम ए वेक्टर। अब आप इन दोनों में से आर वेक्टर आपके कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा एम माइनस एन, और यहां पर आ जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर। क्लियर नॉट? अब आपके पास में आर वेक्टर की वैल्यू निकाल दी, अपॉन में आ जाएगा,
means n b vector minus n a vector upon ये n minus n. अब r इधर देखो कोई इधर देखो एक ही बात है, ये हमारे पास r है, ये इसका फॉर्मूला हो गया एक्सटर्नल डिविजन का, यानी कि बाहर विभाजन का फॉर्मूला, यानी एक जो r पॉइंट है ना इस p क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में एक्सटर्नल डिविजन कर रहा है. आप इसको बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे, फॉर्मूला याद कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पूछा जा रहा है, और फॉर्मूले के अंदर ना वैल्यूज रखो और अपने आंसर निकालो, ठीक है ना. और इन प्रूफ को बहुत अच्छे ढंग से कर ले ताकि आपके क्या है पूरे अभी फंड बेसिक्स क्लियर हो गए ना, तो आगे आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप थोड़ा सेंसिवली प्रैक्टिस करें कि कौन सा पॉइंट कहां पर है, तो आपके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने फीडबैक भी दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना. अगर आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बहुत ट्राई करें कि आपके डाउट्स और प्रॉब्लम सॉल्व करें. ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.